गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और हम जा रहे हैं फूफी के घर। तो मैं आयान और किंजा तो फूफी से मिलने जा रही हूँ मैं दिल्ली में आके अब इतने दिनों में। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी दिल्ली घूमिए। बाय बाय। सो गाइस अभी मेट्रो में हूँ। हाँ बेटा हाय। मेट्रो से हम लोगों ने एटलीस्ट 4 मेट्रो चेंज किए हैं। 4 मेट्रो के बाद तो अब ये फाइनल है। अब हम उतरेंगे और ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं पहुँचते पहुँचते। बस अभी बस पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ। सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो रात को थोड़ा लेट हो गए थे बिकॉज मेट्रो से उतरने के बाद मुझे यहाँ आने के लिए एक रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। और पहुँचते पहुँचते एटलीस्ट मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गए थे। तो फिर मैं फूफी से मिली, फिर मैं वहाँ डिनर करके दूसरी फूफी की घर आई। वरना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं निकल नहीं पाई। तो इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। सुना अब किंजा की वजह से उठ गई। किंजा को जल्दी उठना था और मम्मा को भी उठना पड़ा है ना। देखो देखो मौसम बहुत प्यारा होता है। चलिए बस अभी उठी हूँ, चाय पीऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, आप सबको खाऊंगी। क्या हो रहा है ब्रो? बार बार होता है क्या? बोर हो रहा है। किंजा अभी क्या हो रहा है ये? लेकिन बुलाती हो इसकी फ्रॉक बना दो ठीक है। सम्राट के मिल जाएगी सुई तो वो दे पिलास पिलास। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी ये लाइन गलत हो गई है क्योंकि मैंने पहले इस ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। बट अभी हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद, जो मुझे जाना था बहुत टाइम से, वहाँ हम डिनर करने जा रहे हैं। जाना तो हमें बहुत जल्दी था बट हम लेट हो गए। तो अब हम निकले हैं करीबन कितना बज रहा है ये? 7:30 है ना? तो अभी बज रहे 7:30। तो हम लोग बस निकले हैं घर से और वहाँ जा रहे हैं। और मेरी तबीयत आज एक्सट्रीम लेवल पर ख़राब है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, फीवर है, सब कुछ एक साथ आ गया है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं जामा मस्जिद पहुँच के और देखते हैं वहाँ क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए ना, खाने के लिए। हाय, ये है जामा मस्जिद। बट बहुत ज़्यादा क्राउड है, आज संडे है इसलिए। तो गाइस पहुँच गई हूँ जामा मस्जिद। बहुत ज़्यादा क्राउड है, इतनी भीड़ है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही और मैं खुद भी गड्ढे में गिर गई। खाली वही नजर आ रहा है फोटो में, वहाँ जहाँ लाइट जल रही है ना वही दिख रहा है। अच्छा वहाँ जाना है हमें खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, मैंने दिन भी संडे का सुना। और ये कुछ ये है मस्जिद जो बंद है। तो एक दिन हम लोग डे टाइम में आएंगे इधर, डे टाइम में आएंगे और देखेंगे। तो चलिए अभी फूड एक्सप्लोर करूँगी फिर आप सब से मिलती हूँ। ओके बाय। मुझे वाटर
वाटरमेलन नहीं पसंद। ये ब्रांड, ये ब्रांड। क्या पी रहे हो यार? मोहब्बत का शरबत। तुम करो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है। हाँ तो मेरा चैनल है। मैं हूँ तो मैंने बहुत टाइम पहले यूट्यूब पे देखा था इसके बारे में, तो मैंने बोला था कि मैं इधर आऊंगी। कैसा लगा तुम लोगों को? कैसा लगा? और ब्रो तुम्हें? मैं तो पहले भी रखा है, मालूम है टेस्टी है। ये पीने से मेरी मोहब्बत आ जाएगी मेरे पास में? हाँ, ये पीने से मेरी मोहब्बत आ जाएगी मेरे पास में इंशाल्लाह। आमीन। ईशान तुम बोलो, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे पास तो मोहब्बत भी है। आ गई। कहाँ पे तुम्हारी मोहब्बत? जेब में। तुमने मुझे बताया नहीं, इतना इतनी बड़ी बात छुपा दी। इसकी मोहब्बत सीक्रेट है। किंजू माँ ये जिया ये जिया जिया के अभी से चार रिश्ते आ गए ना। जिया के अभी से अपनी बहन की शादी में चार रिश्ते आ गए। और ये जिया का भाई जीशान। और ये जिया के, और ये निशा, जिया की बड़ी बहन निशा। कोई मैच नहीं है हम दोनों जैसे मैं और है ना। और ये है इस पार्टी की मेन अट्रैक्शन किंजा। चुराया ने तूने लाल किले से दिखा। चुराया ना लाल किले से। ये इसका रानी हार चोरी किया हुआ। अभी अभी इसने डाका। तो हम आए थे इस अल्लाह पर, यहाँ पे जो हमें खाना है वो है नहीं, जो मुझे चाहिए जो चाचा ने मुझे बताया। तो हम जा रहे हैं इसके दूसरे ब्रांच पे जहाँ पे वो अभी। तो कैसा लग रहा है इतना अच्छा डिनर तुम लोगों को? आएगा। कभी नहीं भूलेंगे इसे। कितना अच्छा डिनर है, यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है। क्या कैसा लग? क्या हुआ? चुप के बैठा है टेबल के नीचे। के बाद सिर्फ सबसे पहले प्याज और चटनी आया है। और निशा यहाँ चिप्स के साथ चटनी खिला रही है और पूछ रही है टेस्ट कैसा है। अच्छा। अरे दो पानी। चिकन रोस्टेड आया है ये। होगा तो यार टेस्ट आता नहीं। अरे खाओ यार। तो ये आ गए वो फिश, जिस फिश के लिए इतनी देर से हमने कितने जतन करे हैं, चार राउंड मारे होंगे एक ही जगह। तो शुरू करो, कौन खाएगा इसे? नीलू खाएंगे। है वो फिश टेस्ट। थोड़ी सी खाओ, ट्राई मारते हैं। तो ये रही वो मच्छी जो थोड़ी देर पहले इधर आई थी। और इसकी है वो मच्छी और ये है इसकी हालत। लो ये आया है, इसको कहते हैं मलाई टिक्का। ये वो फिश, ये देखो सिंधा। ये तो ले जाओ, इसकी जान यहाँ की। तो खाना हो गया है मेरा पूरा, मेरा खाया। जैसे आया इतना खाया कि आदमी पेट भर गया मेरा। और अब ताकत नहीं है मेरे अंदर खाना खाने की। सब कुछ खाया है यार, बस ये नहीं खाया मैंने। सब कुछ अच्छा था। वो फिश तो आई, दो मिनट में खत्म हो गई। उसका टेस्ट मतलब फिश के जैसा नहीं था, अलग ही था, अच्छा था, मलाई की जैसा एकदम। ग्रेवी ना इसकी अच्छी है, इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी है।
जब मैंने जाना होता ना, 5 दिन बाद खाना खाया है और 5 दिन में उल्टी की है उसने, खाते ही उल्टी। मजा आया लेकिन सच में खाना टेस्टी था। अगर किसी को ये ब्लॉग देख के ऐसा मन करे कि इधर आके वो फिश ट्राई करनी है, इसकी लोकेशन तो पता नहीं बट बोर्ड की फोटो खींच के डाल दूंगी मैं। हाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे लोकेशन इसकी। और वो फिश को क्या बोलते हैं, बछुआ, बछुआ फिश। तो वो हाफ एन आवर पहले ऑर्डर देंगे तो रेडी होगी। यहाँ का नाम है इमरान अल हदा। दो ब्रांच है, एक बाहर है और एक अंदर है ना, तो अंदर वाले में फिश रहेगी। अच्छा दोनों की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दो क्या अंदर वाले में फिश मिलेगी, जो अंदर रेस्टोरेंट है, जो बाहर है उधर फिश नहीं है। थोड़ा सब्र करने पे मिला पर अच्छा लगा। हाँ सब्र का फल मीठा होता आज पता चला। बहुत सब्र किया हमने, साफ सफाई हुई, एकदम क्लीनिंग हुई, टेबल लगी, अब बस हम सब पी के डाइजेस्ट करेंगे इसे। ये लास्ट मेरे अंदर जगह नहीं है, ये मेरी तरफ पास भी मत करो। तो ये वापिस से आ गया जो पहले आया था, क्या चिकन रोस्टेड। वो देखो ये अभी सबको खाना है, जगह किसी के भी पेट में नहीं है, बनाएंगे। सबके तोते उड़ चुके हैं अभी, सब बाथरूम में होकर आएंगे उसके बाद। अबे ये चोरी कर रहे हैं भाई, आजकल हम खाएंगे दोनों, खत्म करना है। टूट नहीं गई, दिया हाथ चलना चाहिए। हाँ चलेगा। तो ये रेस्टोरेंट अभी भी लाइटनिंग की वजह से नाम अच्छे से नहीं आएगा, इमरान अल हदा बारबेक्यू। क्या नाम है इसका, प्रिंस पान सेंटर, फायर पान भी होना मारो। तो अब हम लोग आ गए हैं प्रिंस पान सेंटर पान खाने। मुझे पूरा पान खोने का थे तो मैं मानू, बरक में क्या खाऊं। मैं नहीं खा रही हूँ। हाँ तो ये था पूरा आज का दिन गाइस। तो क्या बोलूँ मैं आज तो चल रहे, ये था पूरा व्लॉग जामा मस्जिद से लेके अब हम रिटर्न घर जा रहे हैं। तो खाना बहुत अच्छा था, काफी रीजनेबल भी था, मतलब एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थे बट जो प्राइस था वो काफी मतलब अच्छा था। तो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।